तुलसीराम, आप सभी का स्वागत मेरे छोटे से व्लॉग में। आज लेकर चलूँगा आप लोगों को सूर्यनारायण और रानी सती एजेंसी, और वहाँ जाने के बाद एक पाइप लेना है और स्टेयरिंग कवर लेना है, और उसके बाद जो है वहाँ से कुम्हारी जाएंगे। कुम्हारी में मेरा ट्रैक्टर चल रहा है और मेरा जीजी का भी जेसीबी चल रहा है वहाँ। और क्या है माहौल, कितना ठो जेसीबी लगा हुआ है, आप लोगों को दिखलाता हूँ। चलिए आप लोगों को लेकर चलता हूँ। मार्केट सीधा जाओगे तो सारंगढ़ जाओगे और यूटर्न मारोगे तो सूर्यनारायण जाओगे। सूर्यनारायण का डैम, यहाँ पे पानी रोका जाता है। जोक नदी और महानदी का संगम हुआ है। Oh,
में जैसे ट्राली उठा के जैक रहा ना जैक पाइप कैसे करके वो पाइप लगते वो फट गए थे मिल सकते थे अपन करा ट्रैक्टर ट्रैक्टर चालू जैक मेरे जो लोहा पाइप का था रबड़ पाइप देवाना कभा भी तेरी भैया हैंडल बा भैया स्टेरिंग बना रबड़ भी तेरी से मुख रबड़ और सुन तो हीरो वो मूठ के जो लगता ना हैंडल में स्टीयरिंग में पाइप मूठ सफर तीन तैतीस प्लास्टिक करते ना ये वाला करना होगी सब्जी मंडी और बहुत दूर दूर से सब्जी आता है यहाँ हमारे ब्लौदा गांव से भी सब्जी यहाँ मंडी में जाता है। यह है गिधौरी का बस स्टॉप यहाँ सारंगढ़ रायगढ़ ब्लौदा बाजार रायपुर तक के लिए है। शोरूम ट्रैक्टरों का
मैं पहुंच गया हूं भारी और यहीं से यू टर्न लूँगा जहां मेरा जेसीबी और ट्रैक्टर चल रहा है। सीधा निकलेंगे आप। कुम्हारी का तालाब पहुंच गए हैं। दिखलाता हूं आप लोगों को कितना जेसीबी चल रहा है। कुम्हारी के तालाब में 4 जेसीबी लगा हुआ है और कंटिन्यू 6 हो गया है काम करते करते, अभी तक काम फाइनल नहीं हुआ है। कुम्हारी गांव का तालाब नोनीबाई का नाम से प्रसिद्ध है ये तालाब जो है।